अच्छा भैया बाबा, हम लोक गीत बिरहा गाई क्या, रुचि यादव प्रतापगढ़ के धरती से बाबा। आप सबके बीच में करंट बिरहा म्यूजिक के बैनर तले बाबा। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री संतोष यादव गजना की पावन धरती से बाबा। भैया जी की देख रेख में अपने पूरी पार्टियन की आवाज में एक महाभारत से बिरहा भेजत है। आशा न पूर्ण विश्वास रही कि ये बिरहा के प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिले। गाने का शीर्षक अर्जुन का घमंड, कैसे चार लाइन के भूमिके के भाव से आवा। दम दम्भ के वृक्ष से नाश फलता सदा, दम्भ किसती डुबाती है मझधार में, ज्ञान विज्ञान में दम्भ बाधक बना, दम्भ की बू झलकती है संस्कार में, दम्भ की जाल मेरा राजा रावण फंसा, अरे ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देता, दम्भ कुरुपति के उर में घुसा दम्भ से, ना बचा अंश कोई जो कुल को बचाता। इस गीत के माध्यम से गुरु जी बताना चाहते हैं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, काहे कि इंसान के अपन कुछ नहीं बया, लेकिन फिर भी इंसान घमंड करता है। यह अहंकार कहां से कहां पहुंचा देता है सबको, यही के बारे में गुरु जी दो लाइन बयां करता है। कैसे कोना लड़का आजकल कई रंगीन मौसम देख के जब यार वहार बहक गवाए ते अपन दिल के दुविधा बतावत बा। कैसे मुझे तो लूट लिया, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने, मुझे तो लूट लिया, जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है आसमान से नीचे आने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। उदाहरण के तौर पे राजा रावण, कंस जी, यार पांडव, बड़का बड़का योद्धा के जैसे घमंड भोआ आसमान से धरती पे आवाज ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो गुरु जी ही के बारे में बताता हूं कैसे। दम्भ की आग, दम्भ की आँच मानवता जला देती है, दम्भ की आँच मानवता जला देती है, कर्म या धर्म सबको खाक बना देती है, मानवता जला देती है, कर्म और धर्म सबको खाक बना देती है। बिरहा के कहने के शुरुआती से बा कैसे।
रक्त की दरिया से रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, दम्भ उर में बसा पारथ का मन अशांत हुआ। फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, कोई न लड़ सका मुझ जैसे धंधरधारी से। भीष्म और कर्ण को मैंने पछाड़ दिया, सामने जो भी आया मैंने उसे मार दिया। बात को सुन के मन मोहन मुस्कुराए हैं, बात को सुन के मन मोहन मुस्कुराए हैं, बिठा रथ पे तब एकांत जगह आए हैं। कहे गांडी उस संग रथ की विदा बेला है, कहे गांडी उस संग रथ की विदा बेला है, कहे गांडी उस संग रथ की विदा बेला है, कहे गांडी उस संग रथ की विदा बेला है, ध्वजा पे तेरे बैठे मेरा ये कचेला है। ए भैया तनी बिरहा के कहानी के समझ लें। बिरहा के कहानी लिया कहाँ से गा? महाभारत। जब यार महाभारत के लड़ाई शांत भई, जब लड़ाई शांत हुई पांडव रण में विजयी हुए तो अर्जुन जी का घमंड हो गया। घमंडी बात के भाई कि हमसे बड़ा धनुधारी केहू नहीं बा, काहे भीष्म और कर्ण जैसे योद्धा को मैंने पीछे कर दिया, हमसे बड़ा केहू धनुधारी नहीं जन्मा बा। ये बात जाई के भगवान कन्हैया से कहन कहन सखा हमारी बात को सुनिए। कहें बोला कहन कि महाभारत के लड़ाई हम सब अपने दम पे जीते, हमरे सामने जया मौका मार दे। भगवान कन्हैया कहन बस घमंड चढ़िया और घमंड तोड़ब जरूरी बा। कहन तब कहन पूरा महाभारत लड़े अपने दम पे लड़े, सबके विदाई हो गया। कहन भगवान कन्हैया कहन जब सबके विदाई कई दिहाय तब एक विदाई करब ये और बाकी बा। कहन मतलब कहन ये ना बताओ तनी एकांत जगह चला, एकांत जगह लेकर आते हैं। कहन अर्जुन अब विदाई करना है तुम्हें। कहन के कह तो भगवान कन्हैया बताता कैसे एक लाइन कहना बा। कोनो भौजाई अपने ननदिये से कहे, का कहे उठे लपीर कमर के नीचे, उठे लपीर कमर के नीचे हायल कैले बा, पीसाए ननदो दरदिया घायल कैले बा, हरदिया पीसाए लेकिन भगवान कन्हैया संकेत करता अर्जुन मेरी बात सुनो, बताता कैसे ध्वजा के ऊपर
तुम्हारे इस रथ पे मेरा एक चेला बैठा है, कहन तब कहन सबके विदाई कह दिया, बस उहे बाकी बा अब ओकर विदाई करा। तब आगे कहना बा, बतिया के सुन के बतिया के सुन के बोले बजरंगी जवानवा, बतिया के सुन के बाड़ अब तक बेधक बाटे तनवा, कण के उठे दरदिया अब जब भगवान कन्हैया जान गए कि अर्जुन के घमंड होई गवा, तो सोचे ने इनका हम कुछ न बताओ, अब हमार चेला बताए। कहन अर्जुन जी आप हमारे शिष्य का अब विदाई कर दीजिए, अगर वो नहीं होता तो शायद आप ये रणजीत ना पाते। भगवान कन्हैया के बाहर मुंह लखा था, कहन आप ऐसन कहे बोला था, कहन की वो तो तोरे सामने खुद आई जाए। भगवान कन्हैया इशारा करें, भगवान बजरंग बली रथ से नीचे गिरेन, जब नीचे कूद पड़े रथ पुर्जा पुर्जा में टूट गया। अर्जुन जी देखा तहा सोचन कि अगर भगवान इनका हमारे साथ ना की होते तो मतलब हमार रथ आधीन में टूट जाते हैं। बजरंग बली आयन कहन कहन कि स्वामी कैसो करई, जितना बाण हमारे शरीर में लाग बा अबे तक ही दर्द करतबा, एक एक कोनो उपाय करा। कहन कि आपका इलाज होगा, पहले इन्हें बताइए। ये बोल रहे हैं कि इनसे बड़ा धनुधरधारी इस रण में कोई नहीं था। तो बजरंग बली बताओ ता कैसे एक लाइन कहना बा, कोनो दुलाही कहे का कहे कि देखा तू कुल कमाए चला जाए लेकिन वह पूरब देश में न जाया, कहन हुआ का दिक्कत बा, कहे कि वहाँ जाबे तुहार जादूगर नहीं ज्यादा बाटी, जादू चलाए के हुई अपने बस में कई ली है, तो हम जौन यहाँ बाटे दुई चाठी के करे मूड़े माथे लगी है। दुलाइया कहे कैसे, तू भी मर बोए राजा, तू भी मर बोए राजा, जाइबा जब पूर्व के देशवा, तू भी मर बोए राजा। लेकिन बजरंगी जी बया करता अपने दिल के हाल, उनके ऊपर बीतत कावा, कैसे बाचा नहीं पवले खुद के, बाचा नहीं पवले खुद के, कण जब चलावे बनवा, बाचा नहीं पवले खुद के।
बजरंग बली कहन की हम एक से बढ़ के एक योद्धा देखे, लेकिन रण में हम कर्ण जैसे योद्धा ना देखे। अर्जुन जी कहन वो कहे कहन की अगर हम न हो तो देखा महंकार ना करते, लेकिन बताओ तो अगर हम न हो तो शायद ये युद्ध न जीत पौते। कहन कैसे कहन सुना बताओ तही बताओ तहन। कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नाही, कर्ण बलवान हमारे अलावा वार कोई नहीं सह पाई, हमारे मारे नहीं पवल सपारा, मारे नहीं पवल पारथ संग हरि तोहर जनवा, मार नहीं पवले पारथ संग हरि तोहर जनवा, बचा नहीं पवले खुद के काल जब चलावे बनवा, बचा नहीं यार। जब बजरंग बली के पूरा शरीर देखा तहा वाण से पूरा बेंधा बा, समझी ना पाता कि आखिर हम अपने मुँह सब आवाज का निकाली। बजरंग बली जब कूदन रथ के हाल देख लेन, ऐसन उनके हालत देख लेन तो एकदम परेशान। अर्जुन जी कहन भगवान कन्हैया ई का बा, कहन तोरे जौन घमंड चढ़ा रहन वो के प्रमाण दे तही, कैसे टेरी के भाव में कहना बा। चलावे रण में कर्ण बनवा, अरे तो चलावे रण में चलावे रण में कर्ण बनवा, तयवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे, अरे पावे अरे पावे। चलावे रण में कर्ण बनवा, अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे। कहें अगर तोहरे पीछे तना जनक सपोर्ट न होते, भगवान कन्हैया साक्षात तोरे साथे रहें, द्रौपदी जी आपके साथे रहे यार, हम आई गे रहे तब आप युद्ध जीत ले, नाई तो युद्ध जीत तब आपके बस के बात ना आई रही। कर्ण के बखान करता है भगवान कन्हैया और बजरंग बली जी, कैसे पापट के भाव में कहना है। अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से भारी गिरिवर धारी हो, अरे तो कोई नहीं है वीर कर्ण से भारी गिरिवर धारी हो, होती नारथ देत सिंधु में डारी गिरिवर धारी हो, बजरंग बली कहन कहन की अगर अर्जुन जी हमसे आपके सपोर्ट में न हो तो कर्ण ईशन वीर वथ आपको हुई सिंधु में समा देता डूब जाता पतो न पोत केहू तोहर। ये कह के बजरंग बली कूदेन कैसे, अरे रथ से नीचे बजरंगी जब कूद के गई ले आई हो, और टूट गया रथ पुर्जा सब धरा पे गा बिखराई हो, अरे तो वार वाण का असर अभी तक जारी गिरिवर धारी हो, अरे तो वार वाण का असर अभी तक जारी गिरिवर धारी हो, तो विस्मित पारत देखे आंख के फारी गिरिवर धारी हो।
जब बजरंग बली उनके पास आ गए, भगवान कन्हैया उनका देखा तहां अपने रथ की हालत देखे सारा घमंड चूर हो गया, शर्म के मारे पानी पानी हो गए। दंडवत प्रणाम करके बजरंग बली के सामने खड़ा हो गए, अपने दिल के इच्छा बताओ तहा माफी मांगा तहा, कैसे गुरु जी आल्हा के भाव में कहना बा। अहंकार दुनिया में ना सके बमूल भैया, अहंकार देला ज्ञान भी सारा, रथ के प्रखंचा उड़ के टूटी जब गईले बाबू, आचरज में पारथ भैले कुछ ना सूझा, हथवा के जोड़ गिरे कपि के चरणवा बाबू, माफ कई द गलती हमारी जाइबा हो भूला, सारा ही घमंड छन में नास हो गाइल बाबू, धन्य बजरंगी जग में कीर्ति तो हर बा, भगवान बजरंग बली के सामने दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए, कहे भगवान हमारी गलती को माफ कर दीजिए, हम इस युद्ध को जीत कर ये समझने लगे थे कि हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, लेकिन आज आपने मेरा घमंड सारा चकना चूर कर दिया, आपके जैसा योद्धा और कण के जैसा योद्धा ना कभी संसार में हुआ था, ना है, ना कभी होगा, और ये प्रमाण मिलता है। यह अहंकार अगर केहू के हो जाए, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ज्ञानी हो, लेकिन अगर अहंकार हो गया तो एक बिना पढ़े वाला व्यक्ति से उहार जाते है, कहे अहंकार ऐसा चीज है कि केहू के साथ ना आई रहत और कहां से कहां तक पहुंचाई देते है। खड़ी के भाव में कहना बा, अरे दंभ नाश बा पारथ तब झुकावे सिरवा, तो दंभ नाश बा पारथ तब झुकावे सिरवा, तो युग युग जिया बजा रंगी मायंजन के हीरावा, बजरंग बली की जय जयकार करने लगे और अपना घमंड छोड़ के अब बजरंग बली को ये बात बता रहे हैं कि अगर आप न होते तो शायद हम ये युद्ध ना जीत पाते। कैसे? अरे तोरे बल पे जितली महाभारत के लड़ाई हो, तक कर जा तोहार कबहू जाई ना चुकाई हो, शांत मन भइल मोहे भइल बधिरवा, तो शांत मन भइल मोहे भइल बधिरवा, तो जुग जुग जिया बजरंगी मांजनी के हीरवा,
इस युद्ध को जीतने का पूरा श्रेय भगवान कन्हैया और बजरंगबली को दे दिए। बजरंगबली के विदाई के दिन कन्हैया जी दोबारा समझाएं कहें कि आज तो घमंड कई लिहा है, अब आगे घमंड न की है, नहीं तो अब की बार सिर्फ माफ किया, अगली बार के थो लायक न बचबा। आखिरी में गुरु घराने का परिचय बा। गुरु गणेश गुरु राम लाल चंद्रिका कहे पुकार, अरे कथन करे कभी राधे श्याम सुरेंद्र राम आधार, चलावे रण में कर्ण बनवा, अरे तो चलावे रण में, चलावे रण में कर्ण बनवा, तो रुचि माँ शारद के हरदम शीश झुकाई, चलावे रण में कर्ण बनवा।